आप चोट खाए हो सकते हैं, चचा भी है इतना परेशान है मेरे सामने। वसीम रामपुरी साहब आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, ये मामूली का इलाका है। और वैसे भी नौजवानों में बड़ा जोश होता है, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नौजवानों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। और बुजुर्गों को सब पता होता है कि करना क्या है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल लफड़ा गजल सुना है, सब अपने अपने काम की बात निकाल लेंगे। ये तो बड़े कमाल की बात कह दी। अगर अगर इस शेर पे आपने मुझे दाद नहीं दी तो मैं शक नहीं करूंगा नितिन फारूक साहब आप पे शक करेंगे। वो मुझे अपने उसको न छूने की कसम।
फूल सा उसका बदन बिस्तर पे बल खाता रहा, मेरी हालत पर सितारे भी तरस खाने लगे, याद में उसके जी, 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 जी। मैं बगैर आपकी विधवाएं चाहता हूँ, और ऐसा नहीं आप मैं बुजुर्ग नहीं बल्कि आप बड़े भाई हैं, साबित करता हूँ कि ऐसा लगता है मुझे उस पर जवानी आ गई, ऐसा लगता ये शेर आपने भालचंद यादव जी की नजर किया है। जी जी, मैं बहुत खूबसूरत मुझे पोस्टर में देखा है, मैं फैजाबाद से चला जगह जगह इनके फोटो में देखते हुए आया, मुझे भी अंदाजा लग जाएगा आप मुझे क्या करना है। ऐसा लगता है मुझे उस पर जवानी आ गए, पूरा मजा लीजिए आगे वाले से ले रहे आप जवान नहीं पीछे की लोग जवानों तो मेरे पास शरीफ हो, ऐसा लगता है मुझे उस पर जवानी आ गए, आईने में तक खुद से वो शर्माता रहा। हमारे बीच अनीस मंसूरी साहब का शेर लिखते हैं, शेर बहुत अच्छी आपके समाते हैं, ये अलग बात हो कि मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा, ये अलग बात है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं ये सच्ची है। ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि आप अच्छा पढ़ते हैं ये तो सबने सब जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अच्छा सुनते हैं ये अपने आप में खास बात है। आज भी करता हूँ शेर, अगर आपको सहमत न हो तो असद महताब साहब ने बहुत ही खूबसूरत मुशारा सजाया, एक बार जोरदार ताली इनके लिए आप बजा दें, बहुत खूबसूरत। आज भी करता हूँ शेर कि पैरा अनीस साहब का शेर, आगे करता हूँ कि पैरा बंद जितने थे वो सारे खुल गए, जितने थे वो सारे खुल गए, पैरहन के बंद जितने थे वो सारे खुल गए, फिर भी अगला वसीम रामपुरी साहब ने अभी तो गजल पेश की, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गजल जब इतनी खतरनाक है और अगर इनसे फरमाइश गीत की कर ली गई तो क्या आलम होगा। तो मैं तो आपका वकील हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप सब लोग गीत सुनने के मूड में हैं? नहीं, गीत सुनने के मूड में तो जरा सा ताली वाली बजा के इन्हें यकीन दिलाइए कि आप गीत सुनना चाहते हैं। आप लेकिन उससे पहले मुलायम सिंह अखिलेश जी बांटते हैं, एक मतला चंद्रशेर बहुत अच्छी आपके समाते हैं, मैं एक मतला चंद्रशेर पढ़ता हूँ अनिल फारूक साहब, मेरे गजल बहुत बस गीत आपको बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा खतरनाक सा गीत एक पढ़ना है। मोहतरम अनीस मंसूरी साहब पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ तशरीफ ले आए हैं, हमारे मुअज्जिज मेहमान हैं, आज हम मुशायरे की इस महफिल में उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, और वसीम रामपुरी अपने गीत के साथ माइक पर हैं, मुझे यकीन है कि उनका गीत आपको पसंद आएगा। मैं एक गजल के चंद शेर अगर वाकई में गीत सुना के जाऊंगा, उससे पहले एक मतला चंद शेर फिर उनकी निगाहों के महफिल जलती है, फिर उनकी निगाहों के महफिल जो चल
गलत जगह जा रहे हैं। नदीम भाई जी, किस किस मुल्ला जी, आप गलत ना सोचिए, मैं बहुत अच्छा शेर सुनने जा रहा हूँ। किस 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 पर भरोसा। अच्छा, ये अंग्रेजी वाला किस नहीं है, आप गड़बड़ ना कर। किस किस पर यकीन, जल्दी से बैठा दीजिए। किस किस पर भरोसा, किस किस पर यकीन कीजिए, किस किस पर भरोसा, किस किस पर यकीन कीजिए। अब लोग नए चेहरे हर रोज ये मेरा बहुत ही खूबसूरत शेर, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत आपके समाते आपको चाहता हूँ कि दुश्मन मन, दुश्मन से तो बचने का, दुश्मन से तो बचने का आता है हुनर हमको। क्या कहना है, दुश्मन से तो बचने का, दुश्मन मन, दुश्मन से आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन जरा सी आवाज जो है वो मुशायरे को खराब कर देती है। जल्दी से बैठ जाइए। ये मेरा शेर मेरे द्वार से बहुत अच्छा, इंशाल्लाह के एक फर्द की इससे मुझे दुआएं मिलेंगी कि जो रहे हक पे है जा अपने लुटाने वाले, उनको पलकों पर बिठाते हैं जमाने वाले, जमाने वाले। अब खींच चल, नौजवान दोस्तों से जुड़ने की उम्मीद रखता हूँ कि खींच चल घर से वही कत्ल किए जाते हैं, किए जाते हैं, खींच कर घर से वही कत्ल किए जाते हैं, खींच कर घर से वही कत्ल किए जाते हैं, दस छुप जाते हैं जो जान बचाने वाले, बचाने। डर से छुप जाते हैं तो जान बचाने वाले। आज जो रहे हक पे है जा अपने लुटाने वाले, लुटाने वाले, उनको पलकों पर बिठाते हैं जमाने वाले, जमाने वाले। खींच कर घर से वही कत्ल किए जाते हैं, किए जाते हैं, खींच कर घर से वही कत्ल किए जाते हैं, खींच कर घर से वही कत्ल किए जाते हैं, दस छुप छुप जाते हैं जो जो जान बचाने वाले, बचाने वाले। फैजाबाद दिखाऊंगा, मुजफ्फरनगर दिखाऊंगा, ये मेरा शेर अगर सच्चा हो तो आपको दुआएं चाहता हूँ कि उन नदीम भाई आपको दुआएं चाहता हूँ, उनके हक में भी शोलों की जद पर होंगे, जद पर होंगे। भाल चल याद आइए लोगों को तालिब कि उनके हक में भी मगा शोलों की जद पर होंगे, जद पर होंगे। यहाँ मीडिया से लोग अगर मेरा शेर सच्चा हो तो जरूर ये छाती आप तक पहुंचाता हूँ कि उनके अपने भी मना शोलों की जद पर होंगे।
जो रहे हक पे है जा अपने लटाने वाले लटाने वाले उनके अपने भी मका सोन की दद पर होंगे दद पर होंगे उनके अपने भी मका सोन के दद पर होंगे उनके अपने भी मका सोन की दद पर होंगे ये कहा सोचते हैं आग लगाने वाले लगाने बहुत प्यारा शेर अगर आप समझ रहे हैं अगर शर्म आ रही हो तो हाथ भाग के मुझे दुआएं दे दें आपका बेटा पढ़ रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल खामोशी ना मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुने लेकिन आप आज आप यहाँ बैठे इस बात का सबूत दें हाजिर करता हूँ बहुत प्यारा शेर आपको बताता हूँ कि वक्त जब बदला तो हर संत से वो टूट गए वक्त जब बदला तो हर संत से वो टूट गए वक्त जब बदला तो हर संत से वो टूट गए अपने कदमों गरीबों को झुकाने जो रहे हक पे है जा अपने लुटाने वाले उनको पलकों पर बिठाते हैं जमाने वाले जमाने वाले और ये नदीम फारूक साहब का हुक्म है एक गीत के लिए मुझे सुनना चाहिए सुनना चाहते हैं आप लोग कोई सा गीत पढ़ दीजिए फरमाइश अरमाइश का कोई मामला नहीं मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा ईमानदार नाज़िम हूँ अब आपसे अगर कोई वादा कर लेता हूँ तो फिर शायर की नाक खत्म तब तक करता हूँ जब तक वो वादा पूरा ना हो जाए आपने गीत सुनाने का वादा किया है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप गीत सुनाए आप अपनी मर्जी से सुनाइए जो आपको अच्छा लगे वो सुनाइए यहाँ तमाम गीत पसंद करने वाले ओ महबूबा 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 ओ मुझको मिलकर रहेगी तेरी मोहब्बत इंशाअल्लाह
कहूं क्या? रुक गया तेरा खिलता कमल है, रुक गया तेरा खिलता कमल है जिसमें तेरा ताज महल है, रुक गया तेरा खिलता कमल है जिसमें तेरा ताज महल है, बातों से तेरे अमृत बरसे तेरी अदा में हुस्न गजल है, जाने मोहब्बत जाने मोहब्बत हकीकत। इस खूबसूरत मुशायरे का